क्या हुआ? डर लग रहा है? मत घबराओ सोनाक्षी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि आज की इस शर्त पे तुम ही जीतोगी। अरे ऐसे बोलने से थोड़ा भी कुछ होगा, वहाँ उस वजन कांटे में कुछ तो रखना ही पड़ेगा ना। मैं क्या रखूंगी, तंबूरा? ये लो, यहाँ पर मेरी जान जा रही है और आपको देखो कैसे हंसी आ रही है। माँ ऐसे भजन कीर्तन करने से ना सिर्फ फिल्मों में ही भगवान जी आते हैं मदद करने के लिए, पर असली जिंदगी में तो हम ही को कुछ जोरदार धमाकेदार सोचना पड़ता है। और होलिका दहन से पहले अगर कुछ जोरदार सोचा नहीं ना तो उस होलिका दहन में मेरे और साहिर की प्रेम कहानी का भी दहन हो जाएगा। ओहो बाप रे, कितना बोलती हो। अब जाओ, ये सब बातें छोड़ो, उस तराजू पे जितनी भी सामान रखा है ना तुम्हारे लिए जाकर ले लो। नहीं माँ, मेरे तोला राम के बिना इन सारी चीजों का क्या मोल। देखो ना, मैं आई तो यहाँ पर चोरी करने के लिए, लेकिन क्या पता था कि प्यार में खुद ही कंगाल हो जाऊंगी। कितनी मुश्किल से ये एहसास हुआ है और अब मैं किसी भी कीमत पर ना इस एहसास को खोना नहीं चाहती हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। लेकिन अगर वो हिटलर सासू जीत गई ना तो वो तो मुझे इस घर से ही निकाल देगी, वो मेकअप की दुकान सब कुछ छीन लेगी मुझे। सोनाक्षी, वो तुम्हारी सास है, तुम्हारी तोलू राम की माँ है और मेरी बहन है। अच्छा सॉरी। चलो मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनने का वक्त नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, हमें कुछ सोचना है। चलो आओ, चुपचाप बैठो और एक बार ये कहानी सुनो और उसके बाद तुम्हें तुम्हारे जितने भी सवाल है ना उनके जवाब इसी कहानी के अंदर मिलेगा। ओ, तो फिर सुनाओ ना। कान्हा जी की पत्नी सत्यभामा को बहुत ही गुमान था और भ्रम भी था कि कान्हा जी के 16,108 पत्नियों में से सबसे ज्यादा प्रेम वो उनसे ही करते हैं। फिर एक दिन क्या हुआ, नारद जी ने सत्यभामा को उकसाने के लिए और उनकी प्यार की कसौटी करने के लिए उनसे कह दिया कि कान्हा जी सबसे ज्यादा प्रेम उनसे नहीं बल्कि रुक्मिणी जी से करते हैं। अच्छा, तो फिर सत्यभामा एकदम सासू माँ की तरह गुस्से में लाल पीली हो गई होंगी, है ना? बिल्कुल, नारद जी ने उनसे कहा कि सत्यभामा को व्रत रखना होगा और व्रत के अंत में कुछ ऐसी चीज दान करनी होगी जो उनके बहुत दिल के करीब हो। अगर ऐसा उन्होंने किया तो कान्हा जी का जितना भी प्रेम है सब उन्हें मिल जाएगा। फिर सोचो सत्यभामा ने क्या दान किया होगा। इसमें सोचना क्या है, अपने गहने जवारा सोने चांदी के बर्तन यही सब दिए होंगे, है ना? नहीं। तो फिर सत्यभामा ने स्वयं कान्हा जी को ही दान कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम तो वो कान्हा जी से ही करती थी। उसके बाद नारद जी ने कहा कि अभी कान्हा जी के वजन बराबर उन्हें स्नान करना होगा, तभी कान्हा जी को वो वापस पा जाएंगे। फिर सत्यभामा लालच में आती और लालच में आकर तराजू के एक पलरे पे कान्हा जी को बिठाया और एक पलरे पे उन्होंने सारे जेवरात गहने पैसे जो कुछ भी था उनके पास सब कुछ रख दिया, पर कान्हा जी का जो तराजू था वो जरा सा भी नहीं हिला। तो फिर उसके बाद जितनी भी बाकी रानियां थी उनसे भी सारी चीजें लेकर आई, वो भी रख दिया, पर फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, क्योंकि नारद जी ने उनसे कहा था कि अगर कान्हा जी के वजन बराबर वो वस्तु वहां नहीं रखेंगी तो नारद जी कान्हा जी को सेवक बना लेंगे। तो फिर क्या वो नारद जी कृष्ण भगवान को अपना दास बना के अपने साथ ले गए? अब तुम ही सोचो, द्वारका की रानी के पास हमारी मोदी परिवार की रानी, मेरा मतलब तुम्हारी परिधि सासू माँ से ज्यादा ही पैसे गहने थे, फिर भी कान्हा जी का पल्ला भारी का भारी ही रहा। उसके बाद सत्यभामा रुक्मिणी रानी के पास गई और रुक्मिणी जी ने प्रार्थना करके प्रेम से एक तुलसी का पत्ता दिया सत्यभामा को, और सत्यभामा ने वही तुलसी का पत्ता उस तराजू पे रख दिया और तुरंत जो कान्हा जी का पलरा था वो हल्का हो गया और ऊपर उठ गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। सिर्फ एक तुलसी के पत्ते से, और ये कोई चमत्कार नहीं, इसे कान्हा जी की लीला कहते हैं। लेकिन माँ वो तो सतयुग था ना, ये तो कलयुग है। इस कलयुग में अगर तुलसी का पत्ता लेकर मैं वहां रखने गई ना तो सब खीखी करके ना मुझ पे हंसेंगे। हाँ,
और वैसे भी कान्हा जी तो भगवान जी थे ना, और मैं और टोलू तो इंसान है, तो फिर हाँ मेरी माँ वही तो मैं समझा रही हूँ, तुम लोग दोनों तो इंसान हो, कान्हा जी तो भगवान थे, फिर भी इतने सोने गहने जेवर ये सब कुछ मिलाकर भी उनके पलवे को कोई हिला नहीं पाया। माँ तुमने ना मुझे पागल बना दिया, इतनी लंबी कहानी सुनाई और उस लंबी कहानी में कहीं कोई जवाब नहीं था, अब मैं क्या करूंगी? सोना मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है, जवाब इस कहानी में नहीं बल्कि कहानी में जो भाव है उसमें छिपा है। मतलब जी और गोपी बहन दोनों मिलकर सोना को क्या ज्ञान दे रहे? अरे वाह दादी सासुमा क्या बात की है आपने। 7 बजने ही वाले, और अगर 7 बजे से पहले सोना ने मेरी शर्त नहीं, मैं खामखा घबरा रही हूं, ये दोनों सास बहू की जोड़ी मिलकर भी इस बार इस लड़की की मदद नहीं कर पाएंगे। अगर तुम खाना खाने में इतनी ही बिजी हो तो हम हमारी शर्त बाद में भी पूरी कर सकते हैं। सॉरी सॉरी सासू माँ, लेकिन देखो ना इस पेट को भरने के लिए रोज रोज खाना खिलाना पड़ता है। आप ना एक काम करो, आप तब तक शुरू करो तब तक मैं ये खत्म करती हूँ। शुरू मुझे नहीं सोना, शुरू तो तुम्हें करना है, इसलिए अब खड़ी हो जाओ और जाकर अपना हाथ धो लो, और उसके बाद आकर यहाँ पे तुम्हारे पास जो सामान है ना सब कुछ यहाँ रख दो। अरे क्या हुआ सोना, कुछ नहीं मिला तुम्हें? कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कहीं से कुछ चुराए हुए गहने, सोना, चांदी के बर्तन, थोड़ा बहुत कैश, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास? मुझे पता था कि तुम ये शर्त मुझसे हार जाओगे। अब इसका मतलब क्या हुआ तुम्हें पता है? तुम ये घर छोड़कर अभी इसी बस यहाँ से चली जाओ। ये क्या तरीका है परिधि? मॉम आप साहिर एक देखिए सासु, मेरे पास आपकी तरह इतने सारे गहने सोने चांदी के बर्तन ये सब कुछ ना हो, पर मेरे पास ऐसी चीज है जिससे मैं ऐसे ऐसे चुटकी बजा के ये साबित कर दूंगी कि मैं साहिर से बहुत प्यार करती हूँ। साहिर चल आके बैठ यहाँ पर। सोना तुम ये क्या? क्या तुम? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? अभी के अभी यहाँ पर बैठो, अगर अभी के अभी यहाँ पर नहीं बैठे ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। होगे सोना। साहिर फिक्र मत कर, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, चल अब चुपचाप यहाँ पर बैठ। इसके आत्मविश्वास से तो ऐसा लगता है जैसे इसे कोई जमीन में गड़ा हुआ खजाना मिला हो, या फिर बाप दादा की विरासत मिली हो गई हो। आप अपने भेजे को ना इतनी टेंशन मत दो, मेरे पास कोई जायदाद कोई विरासत नहीं, पर मैं खुद तो हूं ना।
चिंता मत कर साहिर, सुबह से पूरे 12 पराठे खा चुकी हूँ और 2 कटोरी गाजर का हलवा भी, तो मेरा वजन तो तुझसे ज्यादा होगा ही ना। और वैसे भी लंबी भी तो ताड़ की तरह हूँ, तो वजन तो ज्यादा होना ही है। ये क्या मजाक है सोना? सोना सासुमा, ये मजाक नहीं है, सच्चाई है। मेरे पास भले ही आपकी तरह सोने चांदी के जेवर जायदाद ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं खुद तो हूँ पूरे 70 किलो की सोना। तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने ना 70 किलो सोना रख दिया है, और वैसे भी मेरा तो नाम भी सोना है ना। देखिए सासुमा, जैसे कण कण में भगवान, ऐसे मेरी रग रग में साहिर, मेरी नाकों में, मेरी सांसों में और मेरे दिल में, और मेरी ये बाहें तो कब से इंतजार कर रही हैं कि कब मेरा साहिर आकर मुझे अपने गले से लगाएगा और मेरी ये बाहें उसके गले की वरमाला बने। और सासू माँ, अब जो एक बार मैंने मेरे साहिर की जिंदगी में एंट्री मार ली है ना, तो अब वापस जाने का कोई चांस नहीं है। आपने तो अपना सब कुछ रख दिया इस तराजू पे, तब जाके ये थोड़ा सा हिला, लेकिन मैंने तो खुद को ही बिठा दिया और एक ही पल में मेरे साहिर का पर्दा ऊपर हो गया। अब आप बताओ कौन जीता, आपकी मैं? क्या हुआ सासुमा, चुप क्यों खड़ी हो, बोलो ना। बोलो परीती, कौन जीता और कौन हारा? अब बोलो कौन जीता, मैं कि आप? जीत तो तेरी हो गई बेटा। ये सब कुछ आपने और गोपी बहन ने किया है ना काकी जी? ये सब कुछ इस लड़की को आप ही ने सिखाया है ना, वरना ये लड़की इतनी स्मार्ट नहीं है कि इसका इतना दिमाग चल सके। हाँ परिधि, अवश्य हमने ही सहायता की है सोना की। साहिर, सोना, सॉरी सॉरी, माफ करना। इट्स ओके। अरे मेरी किस्मत का सितारा तो फिर से चमक गया। सासू माँ की ये सर जीत कर मैंने सासू माँ का दिल भी जीत लिया और ये सारे गहने और पैसे भी जीत लिए। मेरी तो लॉटरी लग गई। सोना, अरे माँ, अभी सब लोगों ने बोला ना कि मैं जीत गई, तो ये सब कुछ मेरा हो गया ना। सोना, तुम परिधि की कसौटी में खरी उतरी हो, पर इनाम स्वरूप तुम्हें ये सोना, जेवर, ये पैसे, ये सब नहीं बल्कि साहिर मिला है। बेटा, परिधि ने ये जो सारा सामान तुम्हें दिया है उसे वापस कर दो। और हाँ, तुम्हारी सास बिना गहनों के खड़ी है, उसके गहने अपने हाथों से पहना दो। ठीक है। सासू माँ, अब मैं सर तो जीत ही गई हूँ, अब एक काम करते हैं, कुट्टा से ना अब्बा कर लेते हैं, ये लीजिए। परिधि, आपको क्या लगता है काकी जी, ये लड़की इस तरह की बचकानी हरकत करके मेरा दिल जीतने की कोशिश करेगी और मैं मान जाऊंगी? ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे ना इस लड़की को बात करने की तमीज है, ना रहने का, ना खाने पीने का ढंग है, और ना ही इस लड़की के माँ बाप का मुझे काम पता है। परिधि बस, ये क्या बोले जा रही हो तुम? पता नहीं कौन सी गंदी नाली में पैदा हुई। परिधि,
और पता नहीं किसका हल्का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है। बस बस परिधि, अपनी हद में रहो। शब्दों की मर्यादा पार मत करो परिधि। वोट मर्यादा राधा जी, वोट मर्यादा राधा। बिकॉज ये लड़की छोटी सी शर्त जीत गई गई, तो इसका मतलब ये नहीं नहीं कि इस लड़की को मैं अपनी बहू के रूप में स्वीकार करूंगी। कभी नहीं कहीं जी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।